हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास फोर एंड इट इज चैप्टर फोर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सॉब्रिक्यूट्स। यहाँ पे हम लोगों को समझना है सॉब्रिक्यूट्स का मतलब क्या होता है। तो सॉब्रिक्यूट्स का मतलब होता है उपनाम, दूसरा नाम जिससे कि वह फेमस होता है। अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा, जैसे कि आप लोगों का स्कूल का नाम कुछ और है लेकिन घर में पुकारो नाम कुछ और है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आपका स्कूल का नाम कोई नहीं जानता है लेकिन आपका घर का जो पुकारो नाम है उसी से आप लोगों को सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सॉब्रिक्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जो वहाँ के सॉब्रिक्यूट्स से फेमस है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। सम कंट्रीज एंड सिटीज हैव स्पेशल नेम्स और निक नेम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड सॉब्रिक्यूट्स। नेम दिस कंट्रीज एंड सिटीज़ फ्रॉम दियर सॉब्रिक्यूट्स। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ सॉब्रिक्यूट्स दिए हुए हैं, आपको वो सॉब्रिक्यूट्स के कंट्री नेम या सिटी नेम इन बॉक्सेस पे लिखना है और बताना है कि कौन सा कंट्री या सिटी किस नाम से जाना जाता है। नाउ नंबर वन, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ विंडमिल्स। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ विंडमिल्स। इट इज नेदरलैंड। नाउ नंबर टू, रूफ ऑफ वर्ल्ड। विच कंट्री इज कॉल्ड एज रूफ ऑफ वर्ल्ड। इट इज तिब्बत। नंबर थ्री, हेरमिट एंड किंगडम। Which country is called Hermit and Kingdom? It is Korea. Number 4, Emerald Island. So, Ireland is called Emerald Island. Number 5, Pearl of the Indian Ocean. Pearl of the Indian Ocean. It is Sri Lanka. Now, which city is called the Windy City? It is Chicago. Which city is called the City of Joy? It is Kolkata. 8 number. Which land is called the Land of Lilies? It is Canada. Number 9. It is sugar bowl of the world. Which is called the sugar bowl of the world? It is Cuba. The land of thousand lakes. The land of thousand lakes is the sobriquet of Finland. The land of rising sun. Ukte सूरज की धरती कहा जाता है, उगते सूरज की धरती कहा जाता है, दैट इज जापान। द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, वाइट एलिफेंट्स का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड। थाईलैंड में आप लोग देखेंगे वहाँ पे आपको वाइट कलर्स के एलिफेंट्स मिल सकते हैं। नाउ द गेंट ऑफ अफ्रीका, द गेंट ऑफ अफ्रीका, इट इज नाइजीरिया। द गिफ्ट ऑफ द नील, द गिफ्ट ऑफ द नील, इट इज इजिप्ट। एंड लास्ट वन इज द लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन, इट इज द सॉब्रिक्यूट ऑफ बुर्किना फेरो।
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सारे सॉब्रिक्यूट्स कौन से कंट्री, कौन से सिटी को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर आप इसे अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, या तो फिर आंसर इन वन वर्ड, या तो फिर नेम देम करके लिख सकते हैं। हम लोग कॉपी में लिखेंगे तो हेडिंग में नेम देम लिखेंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम इज़ कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप बिकॉज इट हैज़ सीन मोर बैटल्स बिटवीन यूरोपियन पावर्स देन एनी अदर यूरोपियन कंट्री। द मोस्ट फेमस अमॉन्ग दिस इज़ द बैटल ऑफ वाटरलू। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि यूरोप, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा बेल्जियम ने ही बैटल्स देखे हैं। और यहाँ पर एक बैटल हुआ था जिसे आज हम लोग बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जानते हैं, यह बहुत ही फेमस है। ओके, थैंक यू।